वहाँ जाता है जोर सा व अब ये क्या है लुक एट द पिक्चर आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स वर्ड्स कौन कौन से है सा व सीन इन दोनों का डिफरेंस आपको सिखाना चाह रहे हैं कि सीन और सा में क्या डिफरेंस है तो इजाका नीमा उब सीन फीन फिद एरा ठीक है इफ़ द वर्ड स्टार्ट विद सीन सो यू हैव टू राइट सीन इन द सर्कल एंड इफ इजा द वर्ड स्टार्ट विद सा यू हैव टू राइट सा इन द सर्कल कि अगर जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है सीन से तो आपको सीन लिखना है सा से तो सा लिखना है चले जी अब देखते हैं ये क्या क्या बने हुए हैं फर्स्ट है सल्ला सीन आ रहा है ठीक है असल्ला तु बाट को कहा जाता है बकेट को आप कह सकते हैं अच्छा मैं अभी साहब आपको को लिखती देती हूँ यहाँ पे ये वाला सीन ठीक है नेक्स्ट वन इज अमक सीन आएगा यहाँ पे समकु क्या हो जाता है मछली को पे है अन सिक्किन भी सीन ये सारे ऑलमोस्ट सीन से आ रहे हैं असिकीन नाइफ छुरी को कहते हैं आगे ये क्या है सुलम सुलम कहते हैं सीढ़ी को सॉरी मैंने सुलम ही लिख दिया यहाँ पे ये सीन के साथ स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीन फिर नीचे ये क्या है ये मुझे नहीं पता ये किसी भी सा और सीन से स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकती आगे है सल्लाजा सल्लाजा अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स के अंदर आप बता दिएगा कि क्या चीज़ है ये अच्छा सा सल्लाजा फिर इसको कहा जाता है और ये है सिलसिला चेन को कहा जाता है या जंजीरा कुछ भी कह सकते हैं और ये है जो सोबान सोबान स्नेक को कहा जाता है ये होता है सा से स्टार्ट होता है तो ऑलमोस्ट आई थिंक इसके अंदर सिर्फ एक ही सास स्टार्ट हो रहा है दो बल्कि और ये जो थर्ड वन है ये आप लोग तो खुद ही से देख लीजिएगा ये क्या है और मुझे बता दिएगा अच्छा जी अब नेक्स्ट करते हैं अल खामिस फिफ्थ वन व यानी यू हैव टू लुक एट दिस एंड यू हैव टू स्पीक इट आपको कहना है आपको बात करनी है अब यहाँ पर वो खुद से पूछ रहे हैं यानी आप किसी से अगर पूछ रहे हो तो जैसे लास्ट टाइम ने किया था यजहबू तजहू यज़, हबू, हबू, यज़ हबू किसी लड़के के लिए तजहू किसी लड़की के लिए अब लगो मुझे बात करनी है मैं अपना पूछूंगी तो अजहबू मैं जा रही हूँ तो हम अलिफ लगा देते हैं इसी तरह यहाँ पर आप देखें जिन्होंने लिखा है ना अजाऊ तो अज़ाऊ उसकी जगह यूज़ हुआ है कि मैं कहाँ रखूँ वे शुड शुडाफ बुक इला आयना सॉरी आयना अजाउल उल किताबा वेयर शुड आई पुट द बुक मैं बुक को कहाँ रखूँ तो वो अब कह रहे अब अच्छा ये चीज़ भी आप एक चीज़ जहन में रखिएगा जब एक लड़के को हम कहते हैं ना ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने के अंदर हम लोग जा लिखते हैं जा ठीक है लेकिन इसी की जगह हम लोग जा का मतलब होता है पुट रखें और इसी की जगह अगर लड़की से हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे उन्हें जय जाइल किताबा ज़ायल्समका जाइलमकतब जाअल कलम जाई हाजा जाई हाजा जो भी चीज़ आपने लिखनी है हम कहेंगे ज़ाय के रखें आप और ज़ाइ जताब यानी लड़का आप रखें तो इन दोनों के अंदर ये डिफ़्रेंस है तो चलो हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर हमें और समझ आएगा ये क्या स्टोरी है इसके अंदर अपने लिए हम क्या कह रहे हैं अजाऊ आइना यह प्रेजेंटेंस यूज़ हो रहा है आय अजा उल्किबा ये पूछ रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं ज़ किताब अलरफ़ी पुद बुक ऑन द शेल्फ के बुक को कहाँ रखें शेल्फ के ऊपर रखें आना वे शुडा पुद बुक अब नेक्स्ट के अंदर ये क्या दिखा रहे हैं कि मछली है और दादा जान मेरे ख्याल से लग रहे हैं तो वो क्या पूछ रहे हैं? आइना आजा उस समा का वे शुडा पुद फिश कि मैं मछली को कहाँ पे रखूँ तो उन्होंने कहा जाय समा फिस्ल्ला आ जा कि आप फिश को कहाँ रखें फ्रिज के अंदर पुड द फिश इन द फ्रिज के फ्रिज के अंदर आपको रग, आ, उसको रख दें तो उन्होंने ज़ाई का यूज़ किया ज़ाई असम का फ़ी अच्छा हाँ एक चीज़ अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे भी दो और प्रपोजिशन यूज़ हुई हैं तो वो कौन कौन सी वाली हैं अ और फ़ी तो अला और फ़ी के अंदर क्या डिफरेंस है अला कहते हैं ऊपर ऑन फ़ी कहते हैं इन यानी ये दोनों का डिफरेंस है अला ऑन और, और, और इन यानी किताब अलफ़ी रफ़ के ऊपर शेल्फ के ऊपर रखें और फिर सलाजा फ़्रिज के अंदर ये दोनों का डिफरेंस है आप याद रखेगा अब नीचे थर्ड वन इन्होंने अच्छा जी तो अब आपको से ख़ुद बनाने हैं तो वो हम बनाते हैं अब ये क्या है फ़र्स्ट वन के अंदर जो आप ऊपर देखें आपको बुक के अंदर क्या लिखा नज़र आ रहा है अब यहाँ पे प्लेट हैं एक अबा जी हैं और उनके बेटे हैं तो क्या कह रहे आना अज़ा तोबका आना सॉरी, सॉरीबका वे शुरु प्लेट कि मैं प्लेट को कहाँ पर रखूँ तो वो कह रहे हैं जा सा का मतलब रख देंद प्लेट तबका सॉरी और काफी अबका अल्ह तविला के आप रख दें किसको प्लेट को टेबल के ऊपर अल्लाह तविला ऑन द टेबल नेक्स्ट आप कपड़े रखने हैं बॉक्स के अंदर तो वो क्या कह रही है उसको अज़ाउल मलाबिसा मलाबिसाइना अज़ाउल मलाबिसा कि मैं कपड़े कहाँ रखू वे क्लोथ तो वो आंसर में क्या कह रही है जाई। मलाबिस बॉक्स को हम क्या करेंगे फी इनको हम क्या कहते हैं फी अच्छा फिर सुंदूक भी कह सकते हैं और फिर हकीबा इन बैग और इन बॉक्स आपको जो भी समझ आ रही है आप दोनों में से लिख सकते हैं फिर सुंदूक और फिल हकीबा ठीक हो गया नेक्स्ट क्या है अब तो आम अब ये स्टोव के पास खड़ी हुई है तो क्या हो रहा है यहाँ पर अब वो पूछ रही है आना अजा उ तो आमा के वे शिक पुद फूड के मैं खाने को कहाँ पे रखूँ आईना अज़ाउ अच्छा अजाऊ जो है ना मेस्कुल एंड का डिफरेंस नहीं देखता वो सबके साथ सेम आईना अजा उत आमा तो वो क्या कह रहे जाई क्योंकि लड़की है यहाँ पर जाय तो आम और जयत अल नारी पुद फूड ऑन द फायर और स्टोव आप जो भी कहते हो अच्छा जी अब वो लास्ट के अंदर क्या कह रहे हैं बास्केट है और एक पेपर है और एक बच्चा है आई थिंक बदल रही है तो कह रहे, तो रहे? आई ना अजा उल वाका आई ना अजा उल वे शुड वेस्ट पुद पेपर तो उन्होंने क्या कहा ज़ा रख दें अब मुझे बताएं यहाँ पे फी आना चाहिए या आला आना चाहिए आला कहते ऊपर को फी कहते हैं अंदर को तो हम क्या करेंगे अंदर का बास्केट द पेपर इन द बास्केट तो यहाँ पर ये यह वाली एक्सरसाइज एक्सरसाइज सॉल्व हो गई अब हम देखते हैं जी सिक्स वन उक्तुब नाउ यू हैव टू राइट अब आपको यहाँ पर भी लिखना है अब क्या लिखा है लिखना है इमला अल अल्फ़िरा बिलकल कलीमतल मुनासिबा कि आपको अब आप सॉल्व करना है इसको फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स जो इसको सूटेबल वर्ड्स आपको लगते हैं ना उनके साथ आपको इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर इन्होंने वो वर्ड्स दिए हुए भी हैं ये सिर्फ चार हैं तो हम इसमें देखते हैं अब यहाँ पर अमल हैं तो क्या कह रहे हैं तशतरअमललावा अमर इज़ बाइंग द कैंड तो वो क्यों अब ख़रीद रही हैं तो वो उसका आंसर पूछना चाह रहे हैं हिया हिया कहते हैं शी लव सेट और तो हिया है अब तीन इन्होंने ऑप्शन दिए इन ऑप्शन का मतलब क्या है तो हिया तहबू अगर हम लिखें तो होगा शी लाइक्स हिया तहबू हा शी लाइक्स इट कि उसे वो पसंद है उसे पसंद है अब क्या पसंद है उसे वो पसंद है और तहबू तो, तो हो नहीं सकता क्योंकि जो हलावा है वो फैमेनाइन है तो इस वजह से हम लोग हलावा का देखना हलावा पसंद है तो इस वजह से इसके ऊपर हम करेंगे या तोहेबू हा ये इसका आंसर होगा कि उसे वो पसंद है इस वजह से वो खरीदना चाहती हैं तो हैबूक इसी वजह से कैंडीज ले रही हैं आसानी सेकंड वन है साबूल हदीका आई एम गोइंग द पार्क तो ये क्या कह रही है कि मैं पार्क की तरफ जा रही हूँ सा तो मैं अन गरीब जाऊँगी पार्क की तरफ तो आगे से क्या करें हाईन माई आप मेरे साथ चलें कम ऑन लेट्स गो विद मी और कह सकते हैं हाईन म आक लट्स गो विद यू यानी ये कोई सेंस बनती नहीं है ना इसकी तो इस वजह से आपके साथ चलें आपके साथ चलें आपके साथ तो नहीं मेरे साथ चलें ना या हमारे साथ अब यहाँ पे ढेर सारे तो लोग नहीं खड़े हुए सिर्फ दो हैं तो हम लोग इस वजह से कहेंगे मेरे साथ कि मैं पार्क जा रही हूँ तो आप मेरे साथ भी चलें तो हाई एन माई और कम विद मी आप कह सकते हैं यहां पर माई हाईन माई गो विद मी माई का मतलब है मेरे साथ माक आपके साथ मकना हमारे साथ विदालिस मेजल और टू दिस बर्ड इस चिड़िया को इस पैरो को इस बर्ड को आप सुनो तो क्या आपके पूछ क्या रहे हैं आंसर क्या है कि हल यूरीद हल तुरीदा हल तुरीदू अब इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि क्या आपको वो चाहिए वो उनसे पूछ रहे हैं एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या आपको वो चाहिए हल तुरीदू अब उसूर आप मुझे बताएं उसूर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको ये क्या लग रहा है मेस्कोलाइन है फेमिनाइन है क्योंकि यहाँ पे एंड पे कोई ता नहीं डली हुई इस तरह वाली है इस तरह वाली तो इसका मतलब है कि ये जो है ना मुजक्कर है ये जो है एक मेस्कोलाइन है तो हम यहाँ पर ढूंढे जो मेस्कोलाइन थे उनके साथ मैंने आपको क्या बताया था क्या आता है ये हुआ था तो वो क्या पूछ रहे हैं उससे हल तुरी दू डू यू वॉन्ट दैट बर्ड क्या आपको वो बर्ड चाहिए हल तुरी दू क्योंकि तुरी यू रिदू का तो नहीं कह सकते ना तुरी दू हाँ कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन जो इनके साथ हैं सही वाला वो क्या है हल तुरी दू क्या आपको वो बर्ड चाहिए लास्ट वन इज हाजा हुल मला अब तो क्या कह रहे दिस इज़ द प्ले ग्राउंड ठीक है हाजा हुल मला अब तो ये जो है ना वो पार्क है अब वो क्या कह रहे हैं हयन कम नल आबू फ़ीहा लेट्स प्ले इन इट फी ही अब नल आबू मल अब लिखा हुआ है अब मल अब भी मैंने आपको कहा था अगर ता इसके ऊपर लगा होगा तो ये फेमिनाइन होगा ये मोनस होगा इसके ऊपर अब ता मुदवरा लगी भी नहीं इट मीनस कि ये मुजक्र है मैस्कोलाइन है तो मैस्कोलाइन के साथ क्या आएगा फ़ी ही इन साइड लेट्स प्ले इन इट और इन द पार्क हम कहते हैं इन द पार्क तो नल आबू कम वी विल प्ले इन इट फी ही फी हा तो नहीं हो सकता और मिनहू फ्रॉम इट मिनहू का मतलब होता है फॉमेट तो फ्रॉमेट का तो कोई सेंस नहीं बनता ना तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या कर देंगे हाई नल आबू फी ही चले आए हम लोग इसके अंदर खेलते हैं तो यहीं पर जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट होता है इन इसके बाद मैं जो है नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगी चैप्टर ट्वेंटी फाइव इन जल्दी तो अगर आपको कुछ इसमें ना समझ आया तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको दिल करें